हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी रिसेंटली जो सिटीजन साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने यहाँ पर पहला एविडेंस देखा है वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन का, वो भी हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, भेड़िया जैसे यहाँ पर जो आपके डॉग्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मूवीज़ वगैरह में देखते थे, है ना, तो उसका यहाँ पर एक एविडेंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में और यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सस्पेक्टेड वुल्फ डॉग हाइब्रिड एनिमल जो है वो यहाँ पर देखा गया है विद एन अनयूजुअली टॉनिक कोट। ठीक है, जिसको कैप्चर किया एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ में। ठीक है, वो भी जो यहाँ पर आपके जो ग्रुप है नेचर लवर्स का, जो कि पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में है आपका पुणे, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो उनके द्वारा एक पिक्चर क्लिक करी गई है जिसमें जो पिक्चर में हमें डॉग देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल ही आपके वुल्फ जैसा है। कैसा है? भेड़िया जैसा। तो जो सिटीजन रिसर्चर्स हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो इंडिविजुअल है दैट लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वुल्फ पैक एंड दे फॉलोड द एनिमल एंड कलेक्टेड द हेयर स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पर उनके जो हेयर स्ट्रैंड्स थे उनको कलेक्ट किया गया है और रिसर्चर्स ने यहाँ पर 11 वुल्फ, ठीक है, देन दे यूज 11 वुल्फ होल एंड 16 डॉग जिनोम्स, वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद यहाँ पर इन पर करी है रिसर्च। अब फाइंडिंग्स क्या है इस रिसर्च की, तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो, सी द रिसर्च इज द फर्स्ट एविडेंस इन द कंट्री ऑफ सच हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब पहला कुछ ऐसा जो हमें एविडेंस है वो देखने को मिला है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अगर देखा जाए तो, है ना जी। और जो जीनोमिक रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स हैं द अकरेंस ऑफ दिस वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन इन द पेनिनसुलर इंडिया, ये हाईलाइट करता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सटेंट ऑफ करंट हाइब्रिडाइजेशन एंड डॉग इंटेरोगेशन इन टू द वुल्फ पॉपुलेशन। जो पहले एवर जेनेटिक डिटेक्शन है वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन का इंडियन सवानास में, ये क्लेम करता है दैट जो वुल्फ हैं यानी कि जो आपकी कैनस ल्यूपस हैं, जो ये डॉग हैं, और मतलब जो वुल्फ हैं आपके वो कैनस ल्यूपस हैं और जो डॉग हैं दे आर कैनस ल्यूपस फैमिलियरियास। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट में लीड टू एन इमेंस रिडक्शन ऑफ सर्टन अडेप्टेशन इन द वुल्फ एंड इवेंचुअली इट विल कॉज अ ड्रॉप इन दी वुल्फ पॉपुलेशन। तो इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है अमंग दीज कैनिड स्पीशीज, और जो दोनों ही सेक्सेस हैं आपके कैनिड के दे हाइब्राइड्स आर फर्टाइल इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर मैमलियन स्पीशीज, और जहाँ पर जो मेल्स हैं दे आर स्टरलाइज। ठीक है, और अगर देखा जाए दिस में ऑल्सो मेक्स द इंटरोगेशन ऑफ डॉग जीनोम इनटू वुल्व्स एंड वाइस वर्सा पॉसिबल। तो जो हाई पॉपुलेशन टर्नओवर है, लॉस है आपका ब्रीडिंग मेंबर्स का, दैट में कॉज अ ब्रेकअप ऑफ द वुल्फ पैक, और जो डिसरप्शन है सोशल स्ट्रक्चर का वो भी हमें देखने को मिलेगा। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फर्दर इंक्रीज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन रेट, तो ये जो सिनेरियो है दैट कुड ऑल्सो डिराइव दीज वाइल्ड पॉपुलेशन इनटू अ हाइब्रिडाइजेशन वर्टेक्स which will eventually result in the extension via hybridization. Okay, चलिए, तो अब यहाँ पर अगर एक चीज़ पे बात करी जाए कि why is it the first such detection, तो कंट्री जो है वहाँ पर हमें एक लार्ज और मेगा डाइवर्स चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो जो स्केल ऑफ ब्रेथ है आपका ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इंटरफेस का दैट इज़ वेरी सब्सटैंटिव, और जो पुअर डिटेक्शन रेट है, लो अवेबिलिटी है लेबोरेटरीज की, वो इंटीग्रेट करती है फील्ड सैम्पलिंग विद कंजर्वेशन जीनोमिक। आइडेंटिफिकेशन हुआ है आपके हाइब्रिडाइजेशन इवेंट का बिटवीन वाइल्ड स्पीशीज एंड देयर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स इन इज़ नॉट ट्राइवियल ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑफ बोथ सब स्पीशीज। अब यहीं पर सिग्निफिकेंस की बात करें, जो रिसेंट अवेबिलिटी है जीनोमिक रिसोर्स की दोनों ही डोमेस्टिक डॉग्स और वुल्व्स के लिए, वो प्रोवाइड करती है इनसाइट इनटू द वुल्फ डॉग हाइब्रिडाइजेशन, और रिजल्ट यहाँ पर है जो कि आपके रिसर्च के बेसिस पे ऑफर करते हैं, दे आर वेरी क्रूशल इन्फॉर्मेशन जो कि हेल्प करती है हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि जो रिलेशन है आपके डॉग्स और वुल्व्स के बीच में वो किस प्रकार का है, उनके बीच का इंटरेक्शन एंड वॉट लीड द वे फॉर कंजर्वेशन। सो द वर्क एग्जाम्पलीफाइज अ नोवल मॉडल फॉर कंजर्वेशन इन फ्यूचर इन्वॉल्विंग सिटीजन्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू एक्वायर डाटा एट लार्ज स्पेशल स्केल्स एंड एड्रेस कंजर्वेशन क्वेश्चन फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी।
चलिए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके कोई भी डाउट रहते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इसे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू। उससे पहले देखिए अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरम बैच 1 ईयर एंड 2 फाउंडेशन, जो फाउंडेशन बैच है इनका 2 साल का, ठीक है। आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो, 25 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 197 टॉपर्स अब तक अन अकेडमी यहाँ पर दे चुका है। आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आप कोड का इस्तेमाल करेंगे AMS लाइव, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑफ़र आपका एंड होगा 26 मई को, तो 26 मई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। इसके बाद आरम और फाउंडेशन बैच, जैसे मैंने आपको बताया ये बैचेस हैं, यहाँ पर आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी एनरोल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव। ओके चलिए आगे बढ़ते। बाकी आप लोगों के लिए ऑप्शनल एजुकेटर्स हैं, आप लोग इनसे यहाँ पर ऑप्शनल अपना कवर कर सकते हो। देन यहाँ पर है आपका फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम विच इज़ एन ऑफलाइन बैच, ठीक है। तो ये आपका ऑफलाइन बैच है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो।